महाराष्ट्र ये घटना के बाद शर्मसार हुआ है। अभी विशेष अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श पे महाराष्ट्र को चलाने की बात करते हैं, उनके विचारों के आधार पे महाराष्ट्र हमारे मां बहनों का सम्मान करने की बात करते हैं, रोज कोई ना कोई घटना हो रही है। साकीनाका की घटना हो, डोम्बिवली की घटना हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। विशेष अधिवेशन लेते हुए हम सब लोग, कोई भी पार्टी के हो, हमने एकत्रित आके चिंतन करने की बात है, मंथन करने की बात है, मनन करने की बात है। अगर कानून में कोई त्रुटियां है, कमियां है, उसे दूर करने के लिए काम करने की बात है। हमें अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है तो उसके लिए निधि की उपलब्धता हो, सीएफ एडवांस दिया जाए। मगर ऐसे समय पे हमने चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़हिंग्लज तक, यहां के हमारे मां बहनों को इस महाराष्ट्र में सुरक्षितता की भावना देने की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि मुख्यमंत्री जी महोदय, कौन सी पार्टी इसकी मांग करती है, इस पे मत जाइए, हम सब साथ में हैं। आप विशेष अधिवेशन बुलाइए। और कुछ मंत्री ऐसे, मैंने कुछ नेता देखा है, साकीनाका की घटना होने के बाद साकीनाका पे जब बात होने लगी तो ये नेता, ये राज्य में ये घटना हुई, वो राज्य में ये घटना हुई, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दूसरे राज्यों में कोई घटना हुई है ये बताकर क्या महाराष्ट्र की घटनाओं का हम समर्थन करेंगे? बड़े शर्म की बात है। आज शिवसेना के नेता जो है, शिवसेना की महिला जो नेता है, वो बोरेली में विरोध प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी में उल्टा बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही कि बीजेपी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मॉलेस्टेशन का उन्होंने कुछ मुद्दा उठाया है। मुझे ऐसा लगता है सरकार उनकी है। जनतंत्र में अगर बीजेपी का कोई ऐसा व्यक्ति कहीं पे गलत काम करता है, 15,000 करोड़ पुलिस विभाग पे हम खर्च करते हैं, लाओ पकड़ो, कानून के चौकट में ऐसे काम करने वाला कोई भी समाज का हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी राज्य का हो, उसको आपको सरकार दी है ना, आप आंदोलन कर रहे हो, आपकी यही पात्रता है कि सरकार देने के बाद भी सरकार नहीं चला सकते, रस्ते पे आके आंदोलन करना पड़ेगा, पकड़ो ऐसा कोई व्यक्ति है तो इसने रोक। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि गृह विभाग जो है एनसीपी के पास है, शिवसेना के मुख्यमंत्री अलग है, एक मिनट, क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो एनसीपी के पास है, सीएम के पास अलग डिपार्टमेंट है, शिवसेना के थी वो एनसीपी का मामला है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो नामधारी गृह मंत्री है और जो कार्यकारी गृह मंत्री अनिल परब जी है, दोनों मिलकर बैठे ना, एक नामधारी गृह मंत्री करके वलसे पाटिल, कार्यकारी गृह मंत्री अनिल परब, दोनों एकत्रित बैठ के काम कर रहे। पिछले कुछ दिनों से जब जब घटनाएं हुई हैं, गृह मंत्रालय की और सीएम की महत्वपूर्ण बैठकें हुई है, लेकिन उसके दूसरे दिन ही कोई फिर से घटना हुई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या गृह मंत्री को जब से पद पे आए हैं तब से वो कंट्रोल से बाहर हो गई ये चीजें? देखो ऐसा है, अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में कानून सुव्यवस्था धोखे में है। महाराष्ट्र में आज मंत्रालय जहां से जन समस्याओं का समाधान होना चाहिए वो मंत्रालय अब दानादान हुआ है। मंत्रालय के परिसर में दारू की बोतल आ जाती है और आप देखते हो कि अभी तक दारू की बोतल कहां से आई, हजारों बोतल, ये पता नहीं चल सके। अगर दारू की बोतल कहां से आई वो पता नहीं चल सकेगा तो हम आतंकवादियों को कैसे रोकेंगे, दहशतवादियों को कैसे रोकेंगे, जिसे हम मुख्यमंत्री जी की छाया कहते हैं। ऐसे हमारे भाई मिविन नार्वेकर जी को व्हाट्सएप पे धमकी आई, मुख्यमंत्री जी के घर में रहने वाले को व्हाट्सएप पे धमकी मिलती है, अभी तक धमकी देने वाला पकड़ा नहीं जाता, ये कानून सुव्यवस्था है। अरे आप कंगना रानावत को पकड़ सकते हो, अर्णव गोस्वामी को पकड़ सकते हो, केंद्रीय मंत्री नारायण रानी जी को पकड़ सकते हो, आप धमकी दे सकते हो, मगर मिविन नार्वेकर जैसे एक सज्जन व्यक्ति को धमकी देने के बाद उसको पकड़ नहीं सकते, तो ये 15,000 करोड़ का पानी में डालने का काम कर रहे। तो आज कानून सुव्यवस्था की स्थिति बड़ी गंभीर है, अब इसको सुधारने की चेष्टा और चिंतन होना।